ठीक और लगा बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि मुन्ना पंजाब में भी हाथ कर देंगे बस। ये एल एल बन गई ठीक है ना, चल इसी तरह एल बना दो यहाँ पे वहाँ पर भी। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक ठाक है ना, कैसे फूल हो कर दो जल्दी, बहुत है यार भाई मैं चला भाई चले आओ ना, दूसरे भाई होते हो मीडिया वाले जो चले गए, अभी पहले फूल लगा देते हैं भैंस के ऊपर दिखा देंगे किधर से लगा के। शहीद हुए थे उनकी एक कब्र है और सेना के लोग इसे सजा रहे हैं, जो लोकल लोग हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। सेना ने पूरी तैयारी के साथ जो पत्थर टूटा, जो अफरा तफरी मची थी वो पूरी तरीके से, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, कई जगह आई थी कि कुछ असामाजिक तत्व कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी असामाजिक तत्व ने इसमें कुछ नहीं करा है, क्योंकि बहुत पुरानी थी, 1948 में शहीद हुए थे, तो हो सकता पुरानी की वजह से पत्थर में दरार पड़ गई टूट गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अब सेना ने आके पूरी तरीके से देखिए, सेना के जो दो जवान यहाँ मौजूद भी हैं, लगातार जो ऑफिसर्स हैं सेना के उनमें लगातार बात चल रही है, और पूरे प्रॉपर वे में देखिए पूरी सफाई के साथ पत्थर लगा दिया गया है, और जो लोकल लोग भी साथ में मिलकर जो हेल्प होती है वो कर रहे हैं, लेकिन सेना ने पूरा काम ये अपना बहुत ही अच्छे से तैयार किया है। देखिएगा ये पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से ये ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब, ये नौसेना का शेफ, ये पत्थर को लेकर अफरा तफरी मच गई थी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी ज़बरदस्ती का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, समझ तक तो नहीं थे, ये 1948 की खबर थी, जाहिर सी बात है। अब पूछ रहे थे हम लोग जो